नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग विद अंकित। मैं सुकृति आपका कुकिंग को इनकरेज करने के लिए आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सोया परमल। सोया परमल बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 kg परमल, 1 कप बॉयल सोया चंक्स, 1/2 कप बॉयल किया हुआ छोले, 2 मीडियम साइज़ के आलू छोटा छोटा शेप में काट लिया है, 4 टमाटर, 4 हरी मिर्च और छोटा छोटा अदरक की पीसेस, अदरक की पेस्ट चाहिए मुझे 2 टेबल स्पून। ये सब को एक साथ में मैंने पेस्ट करूँगी। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 सर्विंग स्पून सरसों की तेल, 2 तेज़पत्ती, 4 सूखा लाल मिर्च, 1 टीस्पून घी, ये ऑप्शनल है, 1 टीस्पून चीनी। सबसे पहले मैंने परमल को वॉश किया है, आप इसको छीलेंगे। मैंने परमल को छील लिया है, अब मैंने इसके ऊपर की पोर्शन काटूंगी और नीचे की पोर्शन दोनों साइड में काटूंगी और फिर इसको 3 पोर्शन में राउंड शेप में इसको काटूंगी। ऐसे ही मैंने सारे परमल को काट लूंगी। मैंने सारे परमल को काट लिया है, अब मैंने एक कढ़ाई में तेल को गर्म करूंगी। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा लाल मिर्च और तेज़पत्ते। तेज़पत्ता लाल मिर्च को 1 मिनट मैंने रखा था, इसके बाद इसमें डाल रही हूँ परमल की पीसेस। परमल के बाद इसके साथ ही आलू की पीसेस और सोख किया हुआ सोयाबीन, इसके साथ ही डालूंगी हल्दी पाउडर और नमक। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। नमक हल्दी को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको कवर करूंगी और इसको फ्राई करूंगी। परमल और आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी बॉईल किया हुआ चना, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और टोमेटो की पेस्ट, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब्जी के साथ। सब्जी के साथ टमाटर अदरक मिर्ची की पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको अच्छे से भून लिया है। अब मसाला से ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो गया है, इसमें 1 कप पानी डालेंगे। और इसको मिक्स करके हाई फ्लेम पे कवर करके छोड़ दूंगी ताकि सब्जी अच्छे से कुक हो जाए। मैंने 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे कवर करके रखा था, सब्जी बॉईल हो गए हैं, सब्जी रेडी है। अब मैं इसके ऊपर से डालूंगी गरम मसाला पाउडर, चीनी और घी। अब मैं सारे चीज़ को एक साथ में अच्छे से मिला लूँगी। मिक्सिंग हो गए है, अब मैं गैस को ऑफ करूँगी और 5-7 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दूँगी। थोड़ी टाइम के बाद मैं सब्जी को एक प्लेट में निकाल लूँगी।
सोया परमल की सब्जी रेडी है। आप इसको ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ मेरे कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।